सो ही गाइस, तो पेन बॉक्सर के रूम में आपका स्वागत है। इस रूम में गाइस हम लोग के पास है यूनिवर्ल का रोलर जेट स्ट्रीम SN 101 वर्जन, और ये गाइस एक रोलर बॉल की एक पेन है। इसका गाइस आप लोग पीछे और भी देख सकते हैं कि ये ब्लू इंक में अवेलेबल है, जो कि हम लोग के पास पेन है। ये मेरी फाइन है 423 40 रुपये का ये पेन है। ये लिंक ये द्वारा इम्पोर्ट और मार्केट किया जाता है इंडिया में। इसका गाइस क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कि टेक्स्ट डॉटेड बॉडी है, जैसा कि आज आप लोग देख सकते हैं। ये यूनिबॉल जेट स्ट्रीम पेन है, जिसका कोड है या पेन का मॉडल SXN 101 है, ये जो कि यूनिबॉल की तरफ से आता है। ये गाइस क्लिक रोलर बॉल पेन है। इसका गाइस प्राइस आप लोग देख सकते हैं, ये मेड इन जापान है। यूनिबॉल का गाइस डिज़ाइन बहुत अल्ट्रा और यूनिक होता है। इसका आप लोग प्राइस देख सकते हैं, 40 मैंने दिखा दिया। इसकी गाइस क्वालिटी देख सकते हैं कि स्मूथ फ्लोइंग है फॉर सीमलेस राइट एक्सपीरियंस। पिगमेंट बेस्ड इंक है, जो कि यूनिबॉल आई में मिलता है आपको। उसके बाद आपको फेड प्रूफ है, फेड बेस्ड है। टेक्स्ट ऑन बॉडी फॉर मैक्सिमम कंट्रोल है। प्लास्टिक बॉडी इसलिए क्योंकि मैक्सिमम कंट्रोल है जो बॉडी। सो ही गाइस, जैसा आप लोग इस पेन को देख सकते हैं, इसका एलिगेंट लुक है। ग्रिप गाइस बहुत अच्छा बन रहा है इसमें, क्विक बॉल बॉडी में है, और गाइस क्विक क्लिक इसमें हो जा रहा है। गाइस मेरे को थोड़ा सा भी वेट नहीं करना पड़ा है क्लिक करने में। क्विकिंग टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे यूनिबॉल जेट स्ट्रीम लिखा हुआ है 101, क्योंकि यहाँ पे भी मॉडल नंबर लिखा हुआ था SRX 101। पेन का गाइस लुक बहुत ज़्यादा एलिगेंट है। ये गाइस इसका बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्लिक तुरंत हो जा रहा है। और गाइस का आप लोग टिप देख सकते हैं, टिप का जो है वो कि एक रोलर बॉल टिप है, रोलिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड टिप है। आप लोग जैसा देख सकते हैं इसके टिप को, देख सकते हैं आप लोग इसके टिप को, जो कि रोलिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि बहुत सही है। क्योंकि क्या इसमें इंक कम यूज होगा, पर आप लोग का फ्लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग ज़्यादा लिख पाएंगे कम इंक में, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम इंक यूज होगा, इसलिए इसका गाइस मेन वजह यही है। और तो बाकी कुछ इसमें है नहीं, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसका गाइस जो बॉडी है वो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, मेरे ख्याल से 20-30 ग्राम 40-50 ग्राम का होगा। और गाइस ये 0.7 mm का है। इसका गाइस ग्रिप सेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, फिंगर स्टूडेंट्स फ्रेंडली है। क्योंकि गाइस 40 rupees प्राइस है, तो आप लोग बार्गेनिंग करके और थोड़ा बहुत सस्ता ले सकते हैं। और गाइस डिज़ाइन बहुत ज़्यादा एलिगेंट है, क्लिकिंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। गाइस का रिफिल हम लोग चेक कर रहे थे, उसके पहले बार मैं बता दूँ गाइस कि इसका ग्रिप बहुत अच्छा है। ये आप लॉन्ग आवर्स राइटिंग के लिए एग्जाम में इसको प्रेफर कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए गाइस इसका रिफिल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और गाइस इसमें यूनि सुपर इंक यूज हुई है, वो तो मैं गाइस बताना भूल गया। यहाँ पे देख सकते हैं यूनि सुपर इंक का यहाँ पे यूज़ किया गया है। पिगमेंट इंक वाटरप्रूफ तो गाइस सारे बॉल वाटरप्रूफ होते हैं, पर यहाँ पे यूनि सुपर इंक है, जो कि और सब पेन में नहीं मिलता। देख सकते हैं गाइस ये रिफिल है। ये गाइस आप लोगों को लगेगा कि कम है, पर गाइस जैसा इसका टिप है उसके मुताबिक गाइस ये बहुत अच्छा समय तक चलने वाला है। और तो गाइस इसमें कुछ नहीं है, जो नॉर्मल जेलिंग किया जाता है बॉल्स पेंट्स में वही सब है, ज़्यादा कुछ करते नहीं। इसका गाइस जो बॉडी है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पीछे QR कोड दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है SNX। यहाँ पे मॉडल यूनिबॉल का .com दिया हुआ है। 0.7 mm का पेन है। चलिए गाइस इसका टेस्टिंग करते हैं और वाटर प्रूफ करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा कि गाइस मैंने कॉपी निकाल लिया है, अब चलिए देखते हैं गाइस इसका राइटिंग एक्सपीरियंस 0.7 mm के पेन का। चलिए गाइस शुरू करते हैं, पहले ही बोल लिया, दोबारा बोल रहा हूँ। और गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस जरूर कीजिएगा पेन बॉक्सर को, क्योंकि गाइस मैं नए नए पेन लाते रहता हूँ, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये पेन गाइस यूनिबॉल का जेट स्ट्रीम का स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा पेन है। तो गाइस चलिए इसका राइटिंग एक्सपीरियंस देखते हैं। गाइस पहले मैं इसे लिख के देख लूँ, इस पेन का नाम यूनिबॉल। ओ भाई कितना स्मूथ चल रहा है, बहुत स्मूथ राइटिंग है इससे यूनिबॉल जेट स्ट्रीम। और गाइस इसमें बिल्कुल भी ब्रेक्स नहीं है, गाइस सच मच प्रूफ राइटिंग है कि नहीं वो तो मैं देख लूँगा। गाइस फास्ट राइटिंग करके देखते हैं कि इसमें फास्ट राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम आता है कि नहीं। तो गाइस फास्ट राइटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, और ऐसा समझ भी नहीं हो रहा है, देख सकते हैं समझ भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसमें हम ब्रांड का नाम लिख देते हैं यूनिबॉल,
और गाइस लॉन्ग आवर्स के लिए इसको आप लोग इसलिए चूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें ग्रिप बहुत अच्छा है और गाइस ये होल्ड में करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस यूनिबॉल कंपनी का है तो गाइस आप लोगों को पता ही है कितना अच्छा करते हैं। इसके बारे में सोच रहे हैं कि इसका गाइस वाटर प्रूफ चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया सब्सक्राइब एट दी रेट बॉक्स, जैसा गाइस मैंने यहाँ पे लिखा। अब गाइस मैं स्मच तो आप लोग देख सकते हैं स्मच बहुत कम हो रहा है। अब इसका वाटर प्रूफ चेक करते हैं। आप लोग गाइस देख सकते हैं कि ये बिल्कुल 100% वाटर प्रूफ है। जैसे गाइस सब बॉल पेन वाटर प्रूफ होते हैं और इसमें गाइस जितनी क्वालिटीज दी गई हैं पेन की ऑप्टिमम ग्रेप फॉर कम्फर्टेबल राइटिंग पिगमेंट बेस्टिंग है, क्योंकि ऐसे पेपर में चिपक जाते जाएंगे और ये बिल्कुल ब्रेक नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इसका कितना स्मूथ फ्लो है। और इसका गाइस मेन रीज़न एक ही है जो कि है गाइस यूनी सुपर इंक का इसका मेन रीज़न है, क्योंकि ये गाइस स्मूथ फ्लो कॉन्सिस्टेंट इंक फ्लो देता है वो भी बहुत ज़्यादा समय तक, जब तक आपकी इंक का लास्ट ड्रॉप भी बचा रहेगा इसमें तब तक ये चलेगा, क्योंकि इसमें है यूनी सुपर इंक जो कि बहुत अच्छा है। चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। इस पेन को गाइस आप लोग स्टूडेंट हैं तो अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो इसको जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत सस्ता आता है और बहुत अच्छा चलता है। तो इस वीडियो में इतना है। इसका ग्रिप वाइज सबसे बेस्ट है। अब जो मैंने जितने पेन यूज़ किए पेंटोनिक BRT की जैसा ही ग्रिप है उससे भी ये बहुत अच्छा है। पेंटोनिक BRT जैसा ही ग्रिप है। अगर आप लोगों ने पेंटोनिक BRT यूज किया है तो आप लोगों को पता होगा कि उसका ग्रिप कितना अच्छा है। बिल्कुल गाइस उसी के जैसा ग्रिप है और उससे ज़्यादा गाइस चलेगा। तो ये गाइस आप लोग देख सकते हैं पेंटोनिक BRT के लुक में गाइस लुक में थोड़ा सा चेंज है और गाइस उसी के जैसा गाइस पेन है बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को पेंटोनिक BRT पसंद है तो ये पेन भी जरूर पसंद आएगा। दोनों गाइस सेम है, बस गाइस थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इंक मिलता है पेंटोनिक BRT से, बाकी गाइस कुछ अंतर नहीं है। वो गाइस थोड़ा सा बहुत स्मच हो जाता है, वो थोड़ा डार्क चलता है, ये थोड़ा लाइट चलता है और स्मूथनेस दोनों की सेम है। तो गाइस अगर आप लोग को पेंटोनिक BRT लेना है तो वो भी ले लीजिए। तो गाइस आप लोग यूनिबॉल का जेट स्ट्रीम जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि गाइस ये बहुत अच्छा पेन है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। बाय गाइस। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हैव अ नाइस डे।